ये जीत जो है ना, इसने अकाली भाजपा को शर्मसार कर दिया है। इट इज अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। और इस जो ये डिफीट का जो मानसिक घाव है, ये सालों साल नहीं भरने वाला। ये अपनी बिलों से निकलने वाले नहीं, चग वांगू बह गए हैं। और ये थप्पड़ देखते हो, ये कांग्रेस का हाथ जो है ना आज, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का थप्पड़ बन गया है। और ये थप्पड़ जीजा साला के चेहरे पे इतनी जोर से पड़ा है कि इस थप्पड़ की गूंज गुरदासपुर से पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जैसे डॉक्टर डैंग का थप्पड़ था ना, उस तरह का थप्पड़ पड़ा है ये। क्योंकि जब आदमी 2 लाख से हारता है, शर्मसार होता है, तो कुछ कहने सुनने के लिए रह नहीं जाता और लोग फैसला करते हैं। आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज। कैप्टन साहब 6 महीने पहले आए थे, तब भी हमने लाल रिबन लगा के गिफ्ट भेजा था। आज तो हमने दिवाली के पहले ही पटाखे फोड़ दिए हैं, और ये पटाखे इतनी जोर जोर से फूट रहे हैं कि आप बयान नहीं कर सकते आपको। और इसकी खुशी, इस गिफ्ट की खुशी हम अपने होने वाले प्रधान साहब राहुल जी को भेज रहे हैं। राहुल जी, प्रियंका जी और उनके साथ सबसे बड़ा त्याग करने वाली सोनिया जी, जिन्होंने जब समय अच्छा था, 10 साल सत्ता थी, मनमोहन सिंह जी जैसे योग्य आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, अपने बेटे को नहीं, उन्हें पीछे रखा। लेकिन जब बुरा वक्त था, तब अपने बेटे को हमेशा आगे किया और कहा कि संघर्ष तुम्हारा गहना है। और उसी संघर्ष की वजह से आज कांग्रेस पार्टी फिर से उभर रही है, और हम एक ऐसी मणि जिसकी चमक दसों दिशाओं में जाती है, फूलों की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती, आज फैल गई है चारों तरफ जाखड़ साहब के गुणों की खुशबू। और उस मणि को हम राहुल जी के जो क्राउन है, ज्वेल क्राउन, उसके ऊपर जड़ दिया है हमने। तो ये खुशी का माहौल है, ये जश्न का माहौल है, एक नई सुबह है, नया सृजन है, नई उमंग है और नई तरंग है। भैया आवाज उठी है, काले बादल, सुखबीर और प्रकाश जी, नाम प्रकाश था अंधेरा, तो वो काले बादल छट गए हैं और सूरज उदय हो गया है। और आवाज गुरदासपुर के लोगों से उठी है, हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए जाखड़ साहब जैसा, अब सूरज निकलना चाहिए जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते थे नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। खटैक, बात खत्म। एक बात समझ लो, बहुत अरसे से मैं उन्हें कह रहा हूं कि यहां अलायंस में बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है। अकाली दल का एक जत्थेदार, हमारे जो बीजेपी वाले लोग हैं उनके MLA से तगड़ा है, तो जिसके पल्ले ही कुछ नहीं, जिसकी होंद ही कुछ नहीं, जो है ही कुछ नहीं, उसके बारे में क्या बोलूं। तो यहां जो कुछ था वो सुखबीर बादल, ये जीजा साला और इनके दुष्कर्मों के परिणाम सामने आ चुके हैं, और यही आज बीजेपी एहसास करेगी। ये इलेक्शन उनके लिए एक एहसास है कि भाई अकाली दल हमारे लिए बोझ बनता जा रहा है। सलारिया और जाकर साहब का क्या मुकाबला, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, एक आदमी। और फिर ये आप आम आदमी पार्टी की बात करते हो, 7 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, 7 लोगों की, इस बार 9 की होगी, तो ये भी तरक्की पे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी तरक्की पे हैं, 9 की जमानत जब्त होगी, समझे नहीं। और उसके साथ सलारिया साहब, इनकी 10 करोड़ की जमानत जब्त हुई, उनकी भी जमानत जब्त होगी। तो ये शर्मसार करने वाली करारी शिकस्त इस बात का प्रमाण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का दबदबा, उनका वलवला और उनके जर्नैल, उनके सिपाहियों का ताकत बहुत बढ़ रही है। कार्यकर्ता के नाम ये सब अर्पित है, ये कार्यकर्ता का जोश, उनकी मोराल बूस्टिंग ये इलेक्शन से होगी, और जाखड़ का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा।